मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं पहले, फिर स्टार्ट करता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 18 दो स्टूडेंट है। नो सर, सर एक ही स्टूडेंट ये इस्माइल को स्टूडेंट है, उसके आगे भी लिखा है जवेरिया है सर। स्टूडेंट है, इसका उसके अभी रोल भी नंबर 40 है, इस्माइल का रोल नंबर 40 है। साद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? साद का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कोई स्टूडेंट बताएगा? मोहम्मद सर साद दो कुरान। साथ हैं, SF 27। थैंक यू। सुबह किसका एक्सप्लोसिव का आपका लेक्चर हुआ, कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर हुआ सुबह आपका? सर एक्सप्लोजिव लैब कौन करवा रहा है एक्सप्लोजिव की? सर एसएन सर वो लैब नहीं करा रहे, बस कुछ भी नहीं करा रहे। नहीं, अभी आपने क्या किया है लैब? कुछ भी नहीं किया नहीं एक्सप्लोसिव सर, हाथ तो भी नहीं सर लगा। असल में सर हमारे दो लेक्चर पहले से स्किप हो चुके थे, तो वो उन दोनों का मेकअप लेक्चर होना था, एक आज हुए और एक कल होगा, और देन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग परसों भी लेक्चर होगा। नहीं, लेक्चर का नहीं, मैं खाली लैब का पूछ रहा हूँ कि लैब का अभी तक आपने क्या किया है? नहीं सर लैब कुछ सर भी नहीं लैब किया, नहीं ना सर किया ने अभी। निकला है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर 4 भी दो इधर। सर 49 नहीं, बात सुनो मेरी, इधर यस रजिस्ट्रेशन सर। नंबर। सर वो एक लैपटॉप से कनेक्ट किया है क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो है ना वो कम है। अच्छा ठीक हो गया। आसिम रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें अपना। आसिम का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या सर है? 3 3 सर हो गए। 3 सर पहले आपने लिख लिया। सर ओके। सर स्माइल 40 सर कनेक्शन रेशियो द माइक ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर 14 मार्क कर दिया, वेट करें। ओके सर थैंक यू। ओके स्टूडेंट, पहले हम ना थोड़ा सा रिवाइज कर ले, हम काम कर क्या रहे थे, क्या हमने रिसेंटली हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। अब देखें, हम डिस्कस कर रहे थे बोर होल प्रॉब्लम्स। बोर होल प्रॉब्लम्स क्या है कि जब भी ड्रिलिंग होगी किसी भी जगह, तो क्या होता है कि बाज दफा
सब सरफेस के अंदर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आप ड्रिलिंग आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। अब वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं नीचे सब सरफेस में, उनको उनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स हैं ये देखें, अब जो लेट्स सपोज नीचे आपका पाइप है, जो ड्रिलिंग पाइप है वो स्टक हो गया है। ठीक है, अब जो ड्रिलिंग पाइप स्टक हुआ है उसके डिफरेंट रीजंस होती हैं। ठीक है, अब उसमें जो रीजंस हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक है डिफरेंशियल स्टिकिंग और दूसरा मैकेनिकल स्टिकिंग। रुके मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, मैं भूल गया। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। दो किस्म की स्टिकिंग है, एक डिफरेंशियल स्टिकिंग है, दूसरी मैकेनिकल स्टिकिंग है। डिफरेंशियल स्टिकिंग किस वजह से होती है? डिफरेंशियल स्टिकिंग होती है, डिफरेंशियल है डिफरेंस से, किस चीज का डिफरेंस, यानी फोर्सेस के डिफरेंस से जो पाइप नीचे स्टक हो जाता है वो होती है डिफरेंशियल स्टिकिंग। मैकेनिकल स्टिकिंग क्या है? मैकेनिकल स्टिकिंग क्या है कि फॉर्मेशन, यानी सब सरफेस के अंदर जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, या जो आपने नीचे असम्बली भेजी है, असम्बली मींस के जो ड्रिल पाइप है, ड्रिल कॉलर है, ड्रिल बिट है, वो जो सब सरफेस में गए हैं, अगर उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से भी बोर होल नीचे चोक हो जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली हमने ये चीजें डिस्कस की थी, आज हमने क्या डिस्कस करना है? अब देखें, एक दफा पाइप स्टक तो हो गया, लेट्स सपोज ये बोर होल है, इसे हम ऐसा करते हैं, बोर होल के अंदर ड्रिल पाइप का एक जो सेक्शन है वो टूट के अंदर गिर गया है। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि इसको किस तरह बाहर निकाला जा सकता है? और ये जो डेप्थ है, लेट्स सपोज ये डेप्थ है 2000 फीट है, अब ये नीचे गिर गया, इसे किस तरह निकाला जाए? क्या आपका माइंड कहते हैं, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? जी स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई है इस प्रॉब्लम के अंदर? जी सर, डिफरेंट यानी कि रूल्स हम रन करेंगे ना अपने उसके अंदर बोर होल के अंदर, और फिर उससे हम लोकेट कर पाएंगे कि हम उसको दोबारा कैच करने के लिए भी सर डिफरेंट टूल्स को अंदर हम सही एक बताया है पहले, मैग्नेटिक पावर लिखा है, तो ये मैग्नेटिक टूल लिखा है। ठीक है, इसे मैं मैग्नेटिक टूल लिख देता हूँ। और दूसरा आपने बताया कि कोई ऐसा टूल जो कि इसे कैच कर ले, यही बताया आपने? जी इसे कैचर लिख देता हूँ मैं। जी इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है? सर, मड की प्रॉपर्टीज या वेट चेंज करने, उसका मड का जो सर्कुलेटिंग मड है, अब देखिए अंदर गिर गया ना, हम बात सुनिए, गिर गया तो अब वो सर्कुलेशन रोक दी हुई है, पाइप अंदर गिर गया हुआ टूट के, बाकी जो ड्रिल पाइप और जो चीजें वो बाहर निकाली है, बस इतना सही सही इसके अंदर गिर गया। अब एक तो इन्होंने बताया मैग्नेटिक और दूसरा बताया कैचर, ये दो हमारे पास है। अब इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि क्या इसका सलूशन क्या हो सकता है, किसी तरीके से इस चीज को इधर से खत्म करना है ताकि आप नीचे प्रोसीड कर सके ड्रिलिंग? जी स्टूडेंट्स,
ओके देखिए, एक तो मैग्नेटिक ठीक है, अभी हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये दोनों चीजें यूज कहाँ हो रही है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा ऊपर से टूल भेजें जो कि सारा ये जो भी ऑपरेटर्स नीचे गिरे इसको क्रश कर दे। अगर वो इसको क्रश कर देता है पीसीज में, तो फिर क्या हो सकता है कि सर्कुलेशन और दूसरे मेथड्स के जरिए आप सारी जो भी होगा नीचे जो मटेरियल होगा उसको बाहर आप निकाल सकती हैं। अब एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या चीज है, अगर आप देखें रियल लाइफ के अंदर, तो फिशिंग क्या है कि आप अपेरेंटली बल्कि रियलिस्टिकली वाटर से यानी पानी से आप बाहर होते हैं और आप पानी के अंदर से कोई चीज बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो कि फिश होती है। तो इसी वजह से अगर आप इसके अंदर जो भी मटेरियल नीचे गिरा है उसको बाहर जब आप निकालते हैं तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं फिशिंग। फिशिंग के अंदर जब फिशिंग का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बोर होल के अंदर कोई भी मटेरियल गिर गया है, कोई स्टक हो गया, अगर उसे आप बाहर निकालते हैं तो इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, फिशिंग कहेंगे। सो अब जो हमने टॉपिक स्टडी करना है, अब टॉपिक होगा कि व्हाट इज फिशिंग ऑपरेशन एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट फिशिंग टूल्स दैट कैन बी यूज्ड इन सच अ सिचुएशन व्हेन यू आर अनेबल टू प्रोसीड द ड्रिलिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली फिशिंग ऑपरेशन इज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिशिंग ऑपरेशन है क्या है, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग अ स्टक पाइप। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रिलीविंग द बोर होल फ्रॉम एनी प्रॉब्लम इन द बॉटम ऑफ द बोर होल। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं फिशिंग। अब फिशिंग टूल क्या है कि अब आपने इधर से मटेरियल को रिमूव करना है, बाहर लेकर आना है, अब वो किन टूल के जरिए आप कर सकते हो ये सारा प्रोसीजर, ठीक है। तो वो प्रोसीजर अब आपने देखना है कि किन टूल्स के जरिए कर सकते हो। तो अब वन बाय वन उन टूल्स को हम डिस्कस करेंगे। जो मेन इसमें टूल्स हैं उसमें फर्स्ट है ओवरशॉट। अब ओवरशॉट क्या चीज है, ओवरशॉट के अंदर देखें इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स के मैंने इमेजेस स्लाइड्स के अंदर हैं, आपने बुक से स्टडी करना, उसके अंदर सब जो भी होंगे टूल्स उनकी इमेजेस भी होंगी। ये जो फर्स्ट आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये है ओवरशॉट। देखिए ये ओवरशॉट है। अब ओवरशॉट करता क्या है, ओवरशॉट के अंदर देखें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। अब ये लेट्स सपोज ये पाइप है जो कि नीचे टूट के गिर गया है, तो ओवरशॉट क्या करेगा कि उसके जो भी पाइप होगा उसका एक एंड ओवरशॉट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद जब आप इसे ऊपर से यानी ऑपरेट करेंगे तो ये जो स्पाइरल आपको नजर आ रहा है, ये जो स्पाइरल यानी स्प्रिंग टाइप आपको एक इसके अंदर असेंबली नजर आ रही है, ये क्या करती है, ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। यानी ये अगर पाइप है, लेट्स सपोज ये अगर पाइप है तो ये स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग इसके अंदर फिट हो जाता है, और जब स्प्रिंग इसके अंदर फिट होता है तो स्प्रिंग के जरिए ये फर्दर ऊपर की तरफ पाइप को मूव कर लेता है। मूव करने के साथ साथ ऊपर क्या होता है, इसके अंदर एक कैचर भी लगा होता है। कैचर क्या करता है कि इस पाइप को, एक तो इसे इंटरनल ग्रिप मिल रही है, ये क्लास होनी पे ये, और दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो ऊपर की तरफ ये जो पाइप होगा कैचर से ये कैच कर लेता है। तो ओवरऑल इससे क्या होता है कि जो भी पाइप स्टक होगा ओवरशॉट से आप इस तरह उसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो फर्स्ट टूल आपको नजर आ रहा है ये ओवरशॉट है। इसी तरह अगर दूसरे टूल्स में देखें
एक है स्पीयर। स्पीयर क्या चीज है? स्पीयर भी सेम ओवर शॉट की तरह ही है, लेकिन इसका मेनली फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी फिश होगी, फिश का मतलब क्या है कि फिश का मतलब वो पार्ट या वो ऑपरेटस है जो कि टूट के बोर होल में गिर चुका है, और उसके बाहर निकालने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। तो स्पीयर क्या कहता है? स्पीयर कोई इसकी ट्रांसलेशन बता सकते हैं उर्दू में? वैसे स्पीयर को क्या कहा जाता है? स्पीयर के बारे में कोई बता सकते हैं कि स्पीयर है क्या चीज है? देखिए उर्दू में इसे जो यूज किया जाता है ना लफ्ज, वो कहते हैं नेजे को, जो नेजा लफ्ज है ना इसे स्पीयर कहते हैं। अब इसे स्पेयर क्यों कहा गया है? इसे इस वजह से कहा गया है, ये देखिए जो सेकंड है ना ये स्पेयर है, इसकी जो शेप है ये पॉइंटेड होती है, ये जो शेप है ये क्या है? पॉइंटेड है। और इसका मेनली फंक्शन क्या है कि इसने डायरेक्ट, जैसे ये जाती ही पाइप के इंटरनल है, ये पाइप के अंदर जाएगी, ठीक है, ये ऑपरेट ही पाइप के अंदर से करती है। ये जैसे देखें कि ये जो पहले था ओवरशॉट, ओवरशॉट के अंदर क्या था कि पाइप के एक्सटर्नली भी ओवरशॉट ही था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्पेयर के अंदर क्या होता है कि स्पेयर हमेशा पाइप के इंटरनली एक्ट करती है। इंटरनल एक्ट करने के साथ क्या होता है कि ये जो आपको ग्रैपल नजर आ रहा है ना, ये देखिए इसके अंदर भी ग्रैपल है, ये स्पाइरल ग्रैपल, ग्रैपल वर्ड, जो ग्रैपल है ना ये वर्ड निकला ग्रैप से यानी पकड़ना, तो इधर ये जो ग्रैपल है इसके अंदर भी ग्रैपल लगा होता है, ये क्या होता है पॉइंटेड एंड किसी भी पाइप के अंदर जाता है और ग्रैपल उसको कैच कर लेता है, उसे पकड़ लेता है, तो इस तरह फिश को बाहर निकाल लिया जाता है, तो इसे कहते हैं स्पीयर। अब दूसरे बम्पर सब, बम्पर सब क्या चीज है कि देखें अगर पाइप, लेट सपोज ये बोर होल है, ये पाइप है, अब हुआ क्या, ये पाइप के साइडों पे मटेरियल टूट के गिर गया और उसकी वजह से ये पाइप फंस गया। अब लेट सपोज इस पाइप को बाहर निकालने के लिए आपने इस पे फोर्स लगानी है, आप चाहते हैं कि किसी तरीके से इस पे फोर्स लगाई जाए जिसकी वजह से ये बाहर आ जाए, यानी इसे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आप फोर्स लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बम्पर सब यूज किए जाते हैं। बम्पर सब क्या करता है कि डाउनवर्ड और अपवर्ड ब्लो इसे प्रोवाइड करता है। आपने देखा कि रियल लाइफ के अंदर भी जब किसी जगह पाइप फंस जाए तो उसे निकालने के क्या कर, निकालने के लिए क्या करते हैं, उसे ऊपर और नीचे की तरफ जर्क लगाते हैं, तो इस तरह वो पाइप बास केसेस के अंदर उधर से फ्री हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जार एक्सेलरेटर। जार एक्सेलरेटर क्या है कि जार एक्सेलरेटर जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है ना बम्पर सब, उसको अगर आपने इंक्रीज करना है फोर्स को, अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को इंक्रीज करना है तो उसके अंदर जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, वो जार एक्सेलरेटर यूज करते हैं। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ा देना, कोई भी चीज है उसको इंक्रीज कर देते हैं तो उसे कहते हैं एक्सेलरेटर। तो जार एक्सेलरेटर का क्या फंक्शन है कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ब्लो लगाई जा रही है बम्पर सबसे, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो फिर आप क्या करेंगे, जार एक्सेलरेटर यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरे टूल कौन से हैं? एक है वॉश आउट स्ट्रिंग। वॉश आउट स्ट्रिंग का क्या मतलब है, पहले आप मुझे ये बताएं कोई स्टूडेंट है जो कि मुझे बता सके कि वॉश आउट का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय वॉश आउट? रिमूव कर देना। अच्छा जी, एक हमारे पास आया है रिमूव करना, ठीक हो गया। एनी अदर स्टूडेंट? जी बिल्कुल, आपने इधर इससे जो रेफर किया जा रहा है इसका मतलब है कि ये देखिए अगर बोर होल है, बोर होल के अंदर अगर लेट्स सपोज
पाइप ये स्टक हो गया, पाइप के साइडों पे क्या है डेब्रिस है, डेब्रिस कहते हैं जो पीसीज होती हैं किसी भी रॉक के, ठीक है, लेट्स सपोज ये कटिंग्स है या वैसे लूज मटेरियल टूट के इधर गिर गया है, इसको रिमूव करने के लिए क्योंकि ये पाइपों के सराउंडिंग में है और इसने पाइप को क्या कर दिया बिल्कुल स्टक कर दिया है, तो इसको इधर से फ्री करने के लिए आप क्या करती हैं इधर से वॉश आउट स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं। वॉश आउट क्या करता है कि उधर से उसे बहा देता है, यानी उधर से मूव कर देता है मटेरियल को, ठीक है। एक है इंप्रेशन ब्लॉक। अब इंप्रेशन ब्लॉक क्या चीज है, कोई स्टूडेंट बताएगा इंप्रेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये कॉमन लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है, तो क्या मतलब होगा इंप्रेशन? जी असर। असर ठीक हो गया। कोई और स्टूडेंट इसका आंसर करेगा इंप्रेशन का मतलब क्या होगा? जी जैसे एक स्टूडेंट ने बताया इंप्रेशन का मतलब है असर। असर से ही लव्ज यूज किया गया है, बनाया तासुर। यानी तासुर क्या चीज होती है कि कौन सी चीज कैसी दिखती है, कैसे बिहेव करती है, इस चीज को कहा जाता है इंप्रेशन। तो एक टूल होता है इंप्रेशन ब्लॉक। तो इंप्रेशन ब्लॉक का क्या फंक्शन होता है, इस टूल के बॉटम पे लेड लगा होता है, बॉटम पे लेड होता है और लेड क्या होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है, रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो फिर किया क्या जाता है, नीचे लेड सपोज पाइप का डायामीटर इतना है, ठीक है, तो ये जो इंप्रेशन ब्लॉक है इसे क्या किया जाता है, बिल्कुल नीचे लटकाया जाता है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि नीचे चीज गिरी है वो किस किस्म की चीज है या उसका डाया क्या है, तो आप इंप्रेशन ब्लॉक को क्या करते हैं नीचे गिराते हो, ऐसे गिराने सम्राट के नीचे उसे आप लटकाते रहते हो ता वक्त कि वो फिश से टच कर जाए। अब जैसे ही फिश से वो टच करेगी तो जो भी फिश की शेप होगी वो इंप्रेशन ब्लॉक के ऊपर छप जाएगी। लेट्स सपोज डाउन ये बॉटम व्यू इसका अगर बनाओ, लेट्स सपोज ये जो इंप्रेशन ब्लॉक है वो नीचे से कैसा होगा कि इसके नीचे क्या होगा, जो भी पाइप का सर्कमफेरेंस होगा वो इस तरह छप जाएगा। फिर इससे क्या कर सकते हो आप, इससे इसका रेडियस फाइंड कर सकते हो और उस रेडियस के मुताबिक आप फर्दर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी डिवाइस कर सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं इंप्रेशन ब्लॉक। ओके, लो सर्कुलेशन का कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि लो सर्कुलेशन के लिए क्या कंडीशन है? Is there any student who may tell me that what is meant by low circulation? What are the essential conditions for low circulation? Low circulation होती कब है? पहले आपने ये बताना है कि low circulation है क्या है? और फिर बताना है कि low circulation होती कैसी है? जी students. जी रजिस्ट्रेशन नंबर टू आप मुझे बताएं। जैन उमर रजिस्ट्रेशन नंबर 40 क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि लो सर्कुलेशन क्या चीज है? सर ये सर ये सीमेंटेशन होती है सर मड फॉर्मेशन में। ओके, कोई और स्टूडेंट मुझे बताएगा लो सर्कुलेशन के बारे में? सर मड का लॉस हो जाना फॉर्मेशन।
बिल्कुल, ये तो आपने मुझे बता दिया कि लो सर्कुलेशन क्या है। अब ये मुझे बताया कि ये किस कंडीशन में होती है? फॉर्मेशन बी को सर, जब मड के फॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी वजह से ये मड लॉस होती है और लॉस सर्कुलेशन हो जाती है। ओके, कोई और स्टूडेंट? सर हमने मैकेनिकल में पढ़ा था कि जब मैकेनिकल स्टकिंग होती है पाइप की तो जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट करती है मड सर्कुलेशन। जी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, उस वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तो लो सर्कुलेशन नहीं हो सकती। वो कंडीशन क्या है सर? पोरस एंड परमीएबल फॉर्मेशन। जी, एक तो ये बिल्कुल कंडीशन है, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट कंडीशन है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। असल कंडीशन ये नहीं। जी, दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर, बट ये भी करेक्ट नहीं है। मुझे अंडर बैलेंस होती है कि जिसके अंदर बोर होल का प्रेशर कम होता है और फॉर्मेशन का ज्यादा होता है। तो अगर अंडर बैलेंस होगी तो उसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन से फ्लूड बोर होल में जाएगा, उसमें लो सर्कुलेशन नहीं होगी बल्कि मटेरियल उल्टा बोर होल के अंदर आएगा। अगर ओवर बैलेंस, एग्जैक्टली, अगर ओवर बैलेंस ड्रिलिंग होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि बोर होल का प्रेशर ज्यादा होगा और फॉर्मेशन का प्रेशर कम होगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो भी पोरस एंड परमीएबल फॉर्मेशन या फ्रैक्चर्ड फॉर्मेशन होगी उसके अंदर मड जानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब वो मड उसके अंदर जाती है तो उस प्रोसेस को कहती है लो सर्कुलेशन कहती है। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी दूसरी रीजन कौन सी होती है? जियोलॉजिकल रीजन ये है कि अगर कोई आपके पास बहुत पोरस एंड परमीएबल फॉर्मेशन आ जाए तो फिर लो सर्कुलेशन होगी। अगर कोई बहुत फ्रैक्चर्ड फॉर्मेशन आ जाए जैसे लाइमस्टोन चौक है तो फिर ये लो सर्कुलेशन होगी। इसके अलावा कुछ ऐसी फॉर्मेशन होती है जिनके अंदर क्या होते हैं बहुत ज्यादा होल्स होते हैं, यानी आप उनके अंदर क्या हुई होती है सोल्यूशनिंग हुई होती है। कैवर्नस का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत बड़े कैविटीज है, ये वर्ड कैविटी से लिया गया है। ठीक है, तो कैविटीज की वजह से भी लो सर्कुलेशन हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फ्रैक्चर्स। इंड्यूस्ड फ्रैक्चर्स की वजह से भी लो सर्कुलेशन हो सकती है। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इंड्यूस्ड फ्रैक्चर का मतलब क्या है? अच्छा, इंड्यूस का खाली मतलब मुझे बता दे कि इंड्यूस का मतलब क्या है सर? आर्टिफिशियल क्रैकिंग को आप तो नहीं कह रहे इंड्यूस स्ट्रक्चर, जहां तक मेरा ये नहीं, वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होती है। इंड्यूस फ्रैक्चर का मुझे बताएं जी सर? किसी इक्विपमेंट के थ्रू फ्रैक्चर है। ओके, कोई और स्टूडेंट बताना पसंद करेगा? इंड्यूस फ्रैक्चर होती है कि अगर देखें लेट्स सपोज ये बोर होल है, ये फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का एक पैरामीटर होता है उसे कहते हैं फ्रैक्चर प्रेशर, एफपी। ठीक है, फ्रैक्चर प्रेशर क्या है कि अगर लेट्स सपोज आपने फ्रैक्चर प्रेशर लेट्स सपोज इसका 10 PSI, यानी 10 PSI से जब भी प्रेशर ज्यादा होगा तो इस फॉर्मेशन के अंदर क्या आ जाएंगे? फ्रैक्चर आ जाएंगे। अब आपने क्या किया कि मड का प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते आपने 10 PSI से ज्यादा कर दिया। जब आपने 10 PSI से ज्यादा किया तो इस फॉर्मेशन में इधर क्या आ गए? फ्रैक्चर आ गए। इन फ्रैक्चर्स को कहते हैं इंड्यूस फ्रैक्चर्स। समझ में आ गई ये बात, इंड्यूस फ्रैक्चर क्या है? जी स्टूडेंट्स? यस सर।
अब देखिए लो सर्कुलेशन किसी भी जगह स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन अब इसे रोकना है। इसे रोकेंगे किस तरह? जी स्टूडेंट, लो सर्कुलेशन को किस तरह रोक सकते हैं? सर, बोर होल का प्रेशर अगर हम कम कर दें तो उससे भी रुक जाएगी, और अगर हम डेंसिटी ऑफ द मड इंक्रीज कर दें। जी वेरी गुड। सो कुछ सोल्यूशन अभी बताए हैं स्टूडेंट ने, क्या बताए हैं कि अगर आप बोर होल का प्रेशर कम कर देंगे तो उससे लो सर्कुलेशन रुक जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी को अगर आप वेरी करें तो उससे भी लो सर्कुलेशन रुक सकती है। इन मेथड्स के अलावा जो मेथड यूज किए जाते हैं लो सर्कुलेशन को रोकने के लिए, उसमें एक है कि अगर आप इसके अलावा क्या है कि आप उसके अंदर कोई मटेरियल ऐसा डाल दें जिससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए मड की, या फिर जिस जगह से वो लॉस हो रहा है यानी फ्रैक्चर या कोई भी पोरसन परमिएबल फॉर्मेशन है, उस पाथवे को अगर आप बंद कर दें, उस रास्ते को बंद कर देंगे तो लो सर्कुलेशन रुक जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज ये कंटेनर है जिसके अंदर मड है, इसके अंदर मड है। अब देखिए जब भी इसके अंदर कटिंग्स ऐड होंगी, दूसरा मटेरियल ऐड होगा यानी सॉलिड्स कटिंग्स वगैरह, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि इसकी डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। ओके, कोई और स्टूडेंट? सर दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन मेरा, ये कि अगर कोई लेट्स सपोज मड है, ये एक मड है, ये जो नीचे मैंने बनाई है ना, ये मड है। अब मड के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर सॉलिड भी मिक्स हो गए हैं, कटिंग्स भी मिक्स हो गई हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सर इंक्रीज करेगी। ओके, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि मास ओवर वॉल्यूम में मास इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम चेक करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन होती किस तरह है, क्योंकि जो सर्कुलेटिंग मड डेंसिटी है, जो सर्कुलेट हो रही होती है मड, उसकी जो डेंसिटी है उसके अंदर वेरिएशन आ रही होती है, क्योंकि उसके अंदर टाइम के साथ क्या होता है, दूसरा मटेरियल ऐड हो रहा होता है, बेशक आप ऐड करना ना भी चाहें वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं ईसीडी। ओके, ये बुक है, लो सर्कुलेशन पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 508। लॉस्ट सर्कुलेशन 508 है।
ओके ये आगे लो सर्कुलेशन। अब लो सर्कुलेशन में ये चीज याद रखिएगा कि सीमेंटिंग के दौरान अगर सीमेंट भी देखें आप ऊपर से सीमेंट भी डालते हैं ना सीमेंटिंग के दौरान, अगर सीमेंट भी बोर होल से सराउंडिंग में जाएगा वो भी लो सर्कुलेशन में आएगा। कोई भी प्रोसेस जो कि आप ड्रिलिंग करते हुए बोर होल से फॉर्मेशन में जा रहा हो उसे क्या कहते हैं, लो सर्कुलेशन। आई थिंक ये है। अब ये देखिए इसके अंदर अगर आप स्टेटमेंट पढ़े, इंक्रीज इन एनुलर मड वेट ड्यू टू ड्रिल कटिंग, इसमें क्या है ओवरऑल वेट इंक्रीज कर रहा है। किस वजह से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर कटिंग्स ऐड हो गई हैं। अब इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखें इसमें गिवन क्या है, आरओपी है, सर्कुलेशन रेट है, होल साइज है, इनपुट मड वेट है, यानी जो फॉर्मेशन के अंदर आपने मड भेजी है उसकी डेंसिटी कितनी है 9 है और फॉर्मेशन डेंसिटी क्या है 2.3 है। अब वैसे जो डेंसिटी का रिलेशन होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है, लेकिन अब क्या है कि इसमें मड के साथ ऐड हो गई है कटिंग्स भी, तो ये रो इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, ये सारी वैल्यूज जब आप इनपुट कर देंगे अब ये देखिए सारी वैल्यूज जब आपने इनपुट कर दी है, इनपुट करने के बाद आपने जो फाइंड करना था एट द एंड रो इफेक्टिव फाइंड करना था, तो रो इफेक्टिव की वैल्यू इधर से आपके पास आ जाएगी। तो इसके अंदर एक चीज आप देखें कि आपका आंसर क्या आया है 9.2 ppg और जो इनिशियल मड थी वो क्या थी 9 ppg, इसका मतलब है कि 0.2 ppg जो इंक्रीज हुई है डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो किस वजह से इंक्रीज हुई है, क्योंकि उसके अंदर कटिंग ऐड हो गई थी, तो इस वजह से ओवरऑल क्या थी उस मटीरियल की 2% डेंसिटी इंक्रीज कर गई थी। अच्छा इस न्यूमेरिकल के अंदर से कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास भी बुक्स हैं तो उधर से भी आप देख सकते हैं, वरना इधर से देख ले और मुझे बताएं फिर, अभी मैं वेट करूं आपके रिस्पॉन्स का। यस स्टूडेंट्स इस चीज को समझने में कोई इश्यू है तो बताएं। जी स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को कोई इस न्यूमेरिकल में या इस कॉन्सेप्ट में समझने में इश्यू है तो मुझे बताएं ताकि हम आगे प्रोसीड करें अपने लेक्चर को। जी तैमूर रजिस्ट्रेशन नंबर 10। सर मुझे तो क्लियर है, सिंपल सा देखिए सिंपल मैथ्स ओवर वॉल्यूम है और इसके अलावा जो कन्वर्जन है उसके अंदर कन्वर्जन है, ठीक है। ओके okay.
अब इसके अलावा लो सर्कुलेशन किस तरह रुक सकती है कि अगर आप जो मड है उसकी जेल स्ट्रेंथ अभी हम इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे जो नेक्स्ट वीक होगा, उसके अंदर जेल जो विस्कोसिटी या जेल स्ट्रेंथ अगर आप उसकी इंक्रीज कर दें तो इससे भी क्या होती है, लो सर्कुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर बोर होल का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर दिया जाए, तो बोर होल का अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो चेंज हो जाता है, और प्रेशर डिफरेंस चेंज होने की वजह से जो लो सर्कुलेशन है वो रुक जाती है। अब अगर हम देखें लो सर्कुलेशन मटेरियल क्या है कि जब लो सर्कुलेशन हो रही होती है, लेट्स सपोज अगर मैं इस इमेज को बनाऊं, एक मिनट, ये जो है लेट्स सपोज ये बोर होल है, ये बोर होल है, और लेट्स सपोज ये एक फ्रैक्चर है, इधर लो सर्कुलेशन हो रही है, तो इस फ्रैक्चर को रोकने के लिए क्या करते हैं कि आप डिफरेंट किस्म के केमिकल्स डालते हैं, उससे क्या होता है जो मड होती है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जब वो प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो इधर क्या होती है कि ये जहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है यहाँ वो उसे प्लग कर देती है। इसके अलावा क्या है कि मड के अंदर एडिटिव्स डाले जाते हैं, जैसे कि लकड़ी का बुरादा कह ले या छोटे छोटे पत्थर कह ले, या आप समझे कि जिसे कहा जाता है बीट्स, डिफरेंट किस्म का मटेरियल डाला जाता है। वो मटेरियल क्या करता है कि वो इधर आके बाद मटेरियल क्या करते हैं इस जगह आके वो प्रेसिपिटेशन करते हैं, उसकी वजह से ये फ्रैक्चर बंद हो जाते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल क्या होता है कि वो जितना भी मटेरियल डाला जाता है उसका फंक्शन यही होता है कि अगर उधर कोई फ्रैक्चर है या कोई ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से फ्रैक्चर लो सर्कुलेशन हो रही है वो उसको फौरन रोक देता है। अब देखिए लो सर्कुलेशन में एलसीएम का मतलब कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा? यस स्टूडेंट, एलसीएम का मतलब कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट हु मे टेल मी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? सर मतलब कि जो हम ब्लड सर्कुलेट वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर जो लॉस आ रहा होगा क्वांटिटी के अंदर। एलसीएम कहते हैं लो सर्कुलेशन कंट्रोल मटेरियल, यानी ये वो मटेरियल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं मड के अंदर, मिक्स किए जाते हैं ताकि लो सर्कुलेशन रुक जाए। अब इसमें क्या है, फ्लेक्स है, माइका, सेलोफोन यानी लकड़ी के पीसीज भी डाले जा सकते हैं, ग्रेनुलर यानी ग्रेन्स की सूरत में क्या डाला जा सकता है, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है उनके छिलके डाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, साल्ट है, और फाइब्रस मटेरियल क्या हो सकता है जिसमें ग्लास फाइबर है, वुड है, इसके का मटेरियल। ठीक है, इन सब मटेरियल से क्या होता है जो लो सर्कुलेशन हो रही होगी वो रुक जाएगी, और इन चीजों को असिस्ट करने के लिए क्या है कि आप उसमें फर्दर बेंटोनाइट भी ऐड कर सकते हो और ऑर्गेनोफिलिक क्ले भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये टॉपिक के बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक है ये ड्रिल स्टेम टेस्टिंग। किसी स्टूडेंट ने पहले नाम सुना है कि ड्रिल स्टेम टेस्टिंग होती क्या है?
Yes, student. Do you have any idea that what is real stem testing? Anyone? एनीवन आपने पहले किसी सब्जेक्ट के अंदर ये वर्ड सुने? नो सर. ओके ड्रिल स्टेम. देखो ड्रिल स्टेम टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है कि देखो लेट्स सपोज नीचे सब सरफेस में एक फॉर्मेशन है, आपको शक हो रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं. आपने जो थ्योरेटिकल वेल लॉगिंग की है, ड्रिलिंग की है, उससे आपको कंफर्म नहीं पता कि लेट्स सपोज आपको ये नहीं पता कि जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है फॉर्मेशन उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है या नहीं है. अब इस चीज को चेक करने के लिए कि उस फॉर्मेशन के अंदर हाइड्रोकार्बन है या नहीं, आप उधर करेंगे ड्रिल स्टेम टेस्टिंग करेंगे. ठीक है, ड्रिल स्टेम टेस्टिंग के जरिए इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज पता चलती है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर यह है कि आपको ये पता चल जाता है कि रिजर्वायर की परमेबिलिटी कितनी है. ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता चल जाता है ड्रिल स्टेम टेस्टिंग से कि जो सब सरफेस में है उसमें प्रेशर कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी, यानी फ्लो रेट कितना ज्यादा है. इन सब चीजों से इन सब चीजों का आपको पता चलता है ड्रिल स्टेम टेस्टिंग से. अगर आप डायरेक्ट मेजरमेंट ले रहे हैं तो उससे आपके पास क्या आएगा, स्टैटिक रिजर्वायर प्रेशर पता चल जाता है. अब ये जो नीचे मैंने चीजें मेंशन की हैं ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि आप ड्रिल स्टेम टेस्टिंग से फाइंड कर सकती है. लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ये अगर आप देखें तो इससे आप ज्यादा पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेजरमेंट. ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो इंडेक्स PI लिखा है ये असल में प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, यानी कोई भी रिजर्वायर है वो कितनी प्रोडक्शन देगा. ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ड्रेनेज एरिया, यानी ये जो ऑयल निकल रहा है बाहर की तरफ कि किस पॉइंट से, यानी इसका इसके ड्रेनेज कौन से पॉइंट से स्टार्ट है, यानी कहाँ कहाँ से किस तरह फ्लूड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इसका आपको पता चलता है रियल स्टेम टेस्टिंग से. अच्छा, दो कंडीशन है, एक है ओपन होल एंड केस होल लॉग. ये ओपन होल लॉग में भी की जा सकते, केस होल लॉग में भी. अब इसमें डिफरेंस बता दे जल्दी से. यस स्टूडेंट्स, ओपन होल और केस होल लॉग क्या डिफरेंस है? कोई स्टूडेंट है जिसने पहले ये वर्ड सुने? सर केस होल में आप अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो साथ साथ में केसिंग भी इंस्टॉल करते हैं ताकि उसके अंदर. और ओपन होल क्या होगा? सर पहले हम ड्रिल कर लेंगे होल एंड देन केसिंग करेंगे. अच्छा ये देखिए, ओपन होल क्या होता है कि जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करने के बाद अगर आप केसिंग नहीं करेंगे तो उस बोर होल को कहेंगे ओपन होल लॉग, और अगर आप केसिंग काट देंगे तो वो क्या होगा, केस्ड होल लॉग. तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. तो ड्रिल स्टेम टेस्टिंग मोस्टली डाइवर्स किस्म की कंडीशन के अंदर की जा सकती है. अब नेक्स्ट है कि ड्रिल स्टेम टेस्टिंग जब की जाती है तो इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो कि ड्रिल स्टेम टेस्टिंग का हिस्सा है. तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, प्रेशर रिकॉर्डर होती है. प्रेशर रिकॉर्डर का क्या फंक्शन होता है कि जो भी प्रेशर के अंदर वेरिएशन आएंगी उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है प्रेशर रिकॉर्डर के साथ. ठीक है, उसके बाद है टेस्ट वेल्व. टेस्ट वेल्व का क्या फंक्शन है,
ये भी क्या होता है, ये ऊपर वाले हिस्से में है, और टेस्ट वेल का फंक्शन क्या होगा? टेस्ट वेल का फंक्शन ये होता है कि ये जो ड्रिल पाइप है, इस ड्रिल पाइप के अंदर यानी सराउंडिंग के अंदर जो भी मड होगी वो ड्रिल पाइप के अंदर एंटर नहीं हो पाती। ये काम होता है टेस्ट वेल्व का। और अब देखिए, जब सब सरफेस से लेट सपोज ये ओके अच्छा ये मैं इधर स्निप करता हूँ, ये देखिए जरा। अब सब सरफेस में यानी इधर फॉर्मेशन है, लेट्स सपोज देखिए इसके यूजेस में मैंने क्या बताया था, इसका एक यूज है कि ये किस तरह सब सरफेस से फ्लूइड्स को रिकवर करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सब सरफेस से फ्लूइड्स आए ताकि उन्हें सरफेस पे लाकर उनकी प्रॉपर्टीज फाइंड कर सके। तो सब सरफेस जो भी फ्लूइड होगा इस पाइप के अंदर चला जाता है, इस पाइप के अंदर चला गया। जब इस पाइप के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, जो टेस्ट वेल्व होता है, टेस्ट वेल्व उसे सेव करता है। ये नहीं होता कि बाहर का जो मड वगैरह होगी, ये जो बाहर इस पाइप के सराउंडिंग में जो मड होगी, ऐसा नहीं है कि वो जो फ्लूड आपने सब सरफेस से रिकवर किया उसे डिस्टर्ब कर दे, वो उसे डिस्टर्ब होने से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा होता है हाइड्रोलिक बाईपास वेल्व। हाइड्रोलिक बाईपास वेल्व का क्या फंक्शन होता है कि अगर इस बोर होल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो वेल्व यूज किया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक बाईपास वेल्व। ठीक है, और एक वर्ड है पैकर। पैकर का अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, ये आपने जियोटेक वगैरह में भी सुना होगा। जी स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा कि पैकर क्या चीज है? यस सर, फैक्ट्री के अंदर कुछ इंस्टॉल करते हैं। पैकर का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आपने जियोटेक वगैरह पढ़ चुके होंगे तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज। सर वो वहां से कुछ साइड ऊपर क्रैक डेवलप हो जाए जी, सर कुछ क्रैक वगैरह डेवलप करने के लिए, जिस तरह हम ऑयल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। नहीं, ऑयल इंडस्ट्री में तो यूज करते हैं, लेकिन पैकर का फंक्शन क्या है? अब देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ। पैकर का फंक्शन होता है कि लेट्स सपोज मैं आपको एक इमेज बना के दिखाता हूँ, उससे ना क्लियर होगी ज्यादा। लेट्स सपोज ये बोर होल है। अब बोर होल के अंदर ये देखिए, ये पाइप आपने डाल दी है और ये फॉर्मेशन है। अब फॉर्मेशन से ऐसे फ्लूइड बाहर निकलना है। अब लेकिन आप ये देखो, ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है ये तो इस तरह नीचे की तरफ भी जा सकते हैं और इधर ये साइडों पे भी जा सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये फ्लूइड इस पाइप के अंदर जाए। तो इस पाइप के अंदर जाने के लिए पहली बात तो ये कि इसके अंदर इधर थोड़ा सा रास्ता होना चाहिए। रास्ते के साथ लेट्स सपोज रास्ता मिल गया, लेकिन अब ये जो लेट्स सपोज ब्लैक एरो से मैं शो करता हूं कि ये ऑयल है, किधर गया ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक एरो बता रहा है कि ये ऑयल है। ये देखो ये ऑयल है। अब ये तो ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, किसी भी जोन को आइसोलेट करना है यानी अलहदा करना है, तो उसके लिए आप इधर क्या करते हो, पैकर इंस्टॉल करते हो। अगर मैं इधर भी पैकर इंस्टॉल कर दे, इसके सराउंडिंग में ऐसे ये पैकर आ गया, ये पैकर आ गया, तो पैकर अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि अब फ्लूइड कहां जाएगा, क्या पाइप के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? जी
तीन स्टूडेंट मुझे बताएं कि अब इस पैकर ने जिसे ये जो सेटअप मैंने लगाया इसे कहते हैं पैकर, अब इसने क्या किया, इसका क्या फंक्शन है इधर? सर इसमें तो ब्लॉक कर, इसने क्या किया इधर, इसने क्या किया है, इसने इस वाले हिस्से को आइसोलेट कर दिया, यानी ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से इधर में है, इसने आइसोलेट कर दिया हुआ है। और इस आइसोलेशन की वजह से क्या हुआ है कि अब जो ऑयल होगा वो सीधा इस पाइप के अंदर जाएगा। तो पैकर का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कोई भी जगह उसको आइसोलेट कर देना, यानी उसको बिल्कुल अलहदा कर देना, टॉप और बॉटम से उसे क्या करता है ये अलहदा कर देता है। ओके अब अगर देखें कि जो जब हम कर रहे होते हैं डीएसटी कर रहे होते हैं, तो डीएसटी करते हुए किन चीजों का ख्याल करते हैं, यानी डीएसटी को परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो देखो इसे परफॉर्म करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि जिस जगह आपने डीएसटी करना है उस डेप्थ का आपको पता होना चाहिए और उस फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि वो क्या डेप्थ है और वो फॉर्मेशन किस किस्म की है। ठीक है, देन क्या चीज है आपके पास, उसके बाद आपको आपने पैकर सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि पैकर का मैंने पहले आपको बताया कि पैकर का फंक्शन क्या है। पैकर का फंक्शन ये है कि वो ऊपर और नीचे से जो जोन होगा उसको बिल्कुल सेपरेट कर देगा। ठीक है, उस जोन को सेपरेट करने के लिए पैकर यूज करेंगे आप। देन क्या है कि चोक साइजेस क्या होते हैं, ये फ्लूड यानी जो फ्लूड की जो फ्लूड फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो यानी आप समझें कि ड्रिलिंग के अंदर जो पार्ट यूज होता है वो होता है चोक्स होते हैं। ठीक है, चोक अगर आप ज्यादा ओपन करें तो जो फ्लो होता है फ्लो रेट क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो फ्लो रेट जो होता है वो किसके जरिए कंट्रोल किया जाता है, वो चोक्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। देन हमारे पास है कि हम ये एस्टिमेट करते हैं कि इस डीएसटी को टाइम कितना लगेगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर किसी फॉर्मेशन की परमिबिलिटी कम है उसके अंदर डीएसटी को ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, अगर किसी फॉर्मेशन की परमिबिलिटी कम है तो? जी स्टूडेंट, ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही है, अगर परमिबिलिटी कम होगी तो उसके अंदर उसे टाइम ज्यादा लगेगा, ये चीज याद रखनी है आपने, क्योंकि उधर जो फ्लो रेट होगा वो कम हो जाएगा। और इसके बाद आपने गेजेस सिलेक्ट करनी होती है कि उधर गेजेस किस किस्म की आपने यूज करनी है। ठीक है, गेजी से क्या करते हो कि गेजेस असल में उधर मेजरमेंट कर रही होती हैं, उधर सारी जो मेजरमेंट हो रही होती है प्रेशर की टेम्परेचर की और बाकी चीजों की जो भी मेजरमेंट होगी वो गेजेस के जरिए हो रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा ये वाटर कुशन और गैस कुशन का मैं आपको बताऊंगा बाद में कि उधर वाटर की क्या रेंज होती है, गैस ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक दफा पहले इसका प्रोसीजर देख लें, आगे इंटरप्रिटेशन देख लें कि आप देखें आपने डिजाइनिंग भी कर ली, डिजाइनिंग करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है ना, जो ओवरऑल टोटल रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है ये देखिए ये। अब इसमें आपने किया क्या था, डीएससी के अंदर आपने प्रेशर को आपने एनालिसिस किया टाइम के साथ, यानी ओवरऑल प्रेशर के अंदर क्या चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो इसमें ये जो ग्राफ
ग्राफ आपको नजर आ रहा है? देखिए ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये एक डीएसटी टेस्ट से आपको ये रिजल्ट्स मिले हैं। अब इस ये बताओ क्या रही होती है, ठीक है? अब ये डीएसटी टेस्ट से जो आपको प्रेशर का डाटा मिला है उससे पता क्या चल रहा होता है, अब हम वो देखते हैं। ये देखो जरा, इसमें देखो एक चीज होती है बिल्डअप। बिल्डअप क्या चीज है कि लेट्स सपोज आपने ऊपर से बोर होल को बंद कर दिया है और इधर से फ्लूड आ रहा है, फॉर्मेशन से फ्लूड आता जाएगा, तो कोई मुझे स्टूडेंट बताएगा कि इधर इसका प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? अगर ऊपर से फ्लूड को बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दें और फॉर्मेशन से फ्लूड आता जाए बोर होल में, तो इधर ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इधर क्या होगा, प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। तो स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट के अंदर आप प्रेशर बिल्डअप करते हो। प्रेशर बिल्डअप के लिए क्या होता है कि फॉर ऊपर से आप उसे यानी चोक बंद कर देते हो तो फ्लूड बाहर नहीं निकलता, ठीक है? तो फॉर्मेशन से फ्लूड आता रहता है। तो इधर क्या हो रहा है, ये देखो ये बिल्डअप वाला पार्ट है, तो इधर देखो ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ये प्रेशर इंक्रीज की है। तो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, फिर बी, ये बी पॉइंट है, इधर प्रेशर इंक्रीज होने के बाद आगे क्या होता है, फिर प्रेशर स्टेबलाइज होता है। यानी क्या होता है कि शुरू में क्या होगा कि हो सकता है जहां गेज है उधर प्रेशर ज्यादा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे बोर होल के अंदर जब वो इक्विलिब्रियम में आता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है? तो इधर थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू होता है और स्टेबलाइज के साथ जैसे ही उधर आप थोड़ा सा क्या करते हो, इधर फ्लो रेट उसे देते हो, इधर क्या करते हो कि वेल्व को ओपन करते हो और फ्लूड इधर से निकलने देते हो बोर होल से। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि अगर कोई भी क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर कोई फ्लूड डाला हुआ है, काफी ज्यादा फ्लूड डाला है, जैसे ही इधर से फ्लूड बाहर निकलेगा तो इसका प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? अंदर तो कम हो जाएगा। हाँ जी, तो इधर आप देखें कि बी से सी के अंदर क्या होता है, जब उसे फ्लो करवाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, इधर कम हो जाता है। तो ये देखें इधर बी से सी के अंदर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। ये इस जगह देखें, ये प्रेशर क्या हुआ है, ये कम हो गया। अब सी के बाद क्या किया जाता है, सी के बी से सी के अंदर ये हुआ, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होता है कि डी से ई के अंदर क्या होता है कि फिर शट इन हुआ है, शट इन होने से क्या होता है कि वो फिर उसके अंदर वो प्रेशर इंक्रीज करता है। अब जब आप उसे शट इन कर दोगे ना, यानी फ्लो रेट को बंद कर दोगे, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो प्रेशर होगा बोर होल के अंदर वो एक पॉइंट पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है। ये देखो इस पॉइंट पे आके स्टेबलाइज हो गया है। तो ये जो प्रेशर होता है इस पॉइंट पे, इसे कहते हैं स्टैटिक रिजर्वायर प्रेशर, यानी ये क्या है, पी आई है, इसे कहते हैं स्टैटिक रिजर्वायर प्रेशर। यानी इस तरह आप रिजर्वायर का जब आप प्रेशर फाइंड करते हैं तो इस तरह आपको रिजर्वायर के प्रेशर का पता चल जाता है कि ओवरऑल जो रिजर्वायर होगा उसके अंदर कितना प्रेशर होगा। क्योंकि याद रखिएगा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी फ्लूड जो सब सरफेस से सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस करवाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन रिजर्वायर प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है? और जब वो स्टैटिक रिजर्वायर प्रेशर पे पहुंच जाता है तो फिर आप टेस्ट वेल्व को ओपन कर देते हो। टेस्ट वेल्व को ओपन करोगे तो फिर क्या होगा, उधर से फ्लूड मूव करेगा यानी बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो फिर ओवरऑल प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर ओवरऑल प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी अंदर से फ्लूड बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकलने के बाद ओवरऑल जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा।
फिर उसके बाद फिर क्या किया जाता है, एफ से आई के अंदर ये जो है उसके बाद फिर शट इन किया जाता है। असल में इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसमें शट इन होता है और फ्लो होता है। शट इन और फ्लो यानी बोर होल के फ्लो को रोक देना। जब बोर होल के फ्लो को रोकोगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब फ्लो रेट इंक्रीज करोगे या फ्लो होने दोगे तो ओवरऑल क्या होगा कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि एफ से आई के अंदर फिर वो शट इन करते हैं। तो शट इन जैसे ही वो करते हैं तो इधर क्या होता है, ये जो मैं आपको इधर शो कर रहा हूं ये वाला, इधर क्या होगा फिर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो उसके बाद वो क्या करती हैं, उसके बाद उधर से जो पैकर्स हैं उन्हें हटा देती हैं और सारे जो भी फ्लूड होगा उसको उधर से फ्लो होने देती हैं। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये था बिल्कुल इनिशियल उसका प्रेशर ना, यानी ये किसी का जीरो प्रेशर समझ ले, लेट्स सपोज। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ये वापिस इधर क्यों आ गया। आपने देखा ना बाकी किसी भी हिस्से के अंदर ये वापिस इस लाइन को टच नहीं किया, लेकिन एंड पे इस लाइन को टच कर गया, तो इसकी रीजन क्या है? जी स्टूडेंट, तो सारा फ्लूइड निकल गया। एग्जैक्टली कोई और स्टूडेंट मुझे बताएगा। जी स्टूडेंट्स आप क्या कहते हो कि क्या इसकी रीजन हो सकती है? बिल्कुल ये सही जवाब दिया है कि जैसे ही आप सारे पैकर्स को हटाओगे और पूरा फ्लूड उधर से मूव कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, तो उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल इनिशियल प्रेशर पे आ जाएगा, यानी उधर सारा प्रेशर क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जो है ये डीएसटी की इंटरप्रिटेशन है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था वाटर और गैस क्वेश्चन जो था वो क्या होता है कि ये देखिए जो एंड पे नंबर 7 पे लिखा है यूज ऑफ वाटर और गैस क्वेश्चन। वाटर और गैस क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो ड्रिल पाइप है इसके अंदर स्टार्ट के अंदर इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड डाल दिया जाता है, या इसमें वाटर डाल दिया जाता है, या नाइट्रोजन डाल दी जाती है, वो इस वजह से डाल दी जाती है ताकि इसके अंदर जो ड्रिल पाइप के अंदर प्रेशर है उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, प्रेशर कंट्रोल के लिए उसके अंदर फ्लूइड डाल दिया जाता है, उसे कहते हैं वाटर क्वेश्चन और गैस क्वेश्चन। अगर नाइट्रोजन डालिया है तो फिर उसे कहेंगे गैस क्वेश्चन, और अगर उसके अंदर वाटर डाल दिया है तो उसे कहेंगे वाटर क्वेश्चन। तो ये डीएसटी है। तो आज हमने जो चीजें डिस्कस की हैं इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। अगर साथ साथ नहीं करेंगे ना लेक्चर के अंदर, लेक्चर के दौरान चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो एट दी एंड आपको फिर ये चीजें समझ कुछ नहीं आएंगी। जी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। नो सर। एनी अदर स्टूडेंट? नो सर। ओके अब लेकिन जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी से भी ओवरऑल जो होती है मड की थिकनेस इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जो डेंसिटी इंक्रीमेंट है ना ये भी किसी हद तक हेल्पफुल होता है लो सर्कुलेशन को रोकने में। ठीक है, तो जो डेंसिटी इंक्रीज करना है ना, डेंसिटी इंक्रीज का लेकिन ये है कि
डेंसिटी इंक्रीज करने का नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो डेंस जो डेंसिटी वाला आंसर है ये बहुत ज्यादा, यानी 100 में से आप कहें तो 20% ही करेक्शन करेक्ट हो सकता है. क्योंकि देखो अगर बोर होल है, बोर होल की डेंसिटी बढ़ाओगे तो इसका मतलब बोर होल का प्रेशर बढ़ा रहे हो, और जब बोर होल का प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका मतलब वो तो फ्लूड और तेजी से बाहर जाना शुरू हो जाएगा. समझ रहे हो बात? सर आपने कहा कि डेंसिटी बढ़ाने से थिकनेस बढ़ती है, लेकिन मेरा कंसेप्ट है कि थिकनेस कम होती है. देखो डेंसिटी बढ़ाने से ना कोई भी मटेरियल है उसके अगर अंदर आपने डेंसिटी इंक्रीज करनी है, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर आपने इसकी डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो इसके अंदर अगर आप लेट्स सपोज क्ले डाली जाओगे, क्ले डालोगे तो आप ये ओवरऑल जो इसकी थिकनेस है फ्लूइड की वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? आप क्या समझते हो, क्या आपका आंसर है? मेरा कांसेप्ट है ना विस्कोसिटी और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आपने यहां कहा कि विस्कोसिटी और डेंसिटी बढ़ाई है, जब विस्कोसिटी बढ़ाई है तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होनी चाहिए. देखो जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी को आप रिलेट मेरे ख्याल से विस्कोसिटी के साथ इस तरह ओपनली नहीं कर सकते ता वक्त के कोई थर्ड पैरामीटर ना हो. ठीक है, उसका आपस में इस तरह रिलेशन नहीं. बात चीजें हैं कि उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है तो ओवरऑल जो विस्कोसिटी है लॉजिकली देखा जाए तो किसी हद तक ये फिजिबल भी लग रहा है कि अगर किसी चीज की डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो सकती है. आप सही कह रहे हैं कि किसी हद तक ये मुमकिन है कि डेंसिटी जब इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी कम होने की वजह से उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं. लेकिन अगर देखा जाए बिल्कुल डेंसिटी को इंडिपेंडेंट हम डील करें, यानी विस्कोसिटी को लेट्स सपोज हम निकली यानी खत्म ही कर दें, तो फिर क्या है कि फिर फ्लूइड मूवमेंट के अंदर जो ज्यादा डेंस फ्लूइड होगा वो कम मूव करेगा. ज्यादा डेंस फ्लूइड ज्यादा मूव कैसे करेगा? अब मुझे बताएं कि अगर कोई चीज है उसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा मूव इसे इस तरह आप कर सकते हैं कि एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है या वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है. अच्छा बताएं वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है या एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है? वाटर की अगर डेंसिटी ज्यादा तो आप मुझे बताएं कि ज्यादा इजीली कौन सी चीज फ्लो कर सकती है? फ्रिक्शनल फोर्सेस किसके अंदर कम होंगी? एयर में बिल्कुल एयर के अंदर कम होंगी. तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब आप चीजों को डिस्कस करोगे तो फिर आप किस हद तक फ्लो को भी यानी डिस्कस कर सकती हैं. लेकिन ओरिजिनली क्या होता है, ये तो हम आइडियल कंडीशन में चीजें डिस्कस कर रहे हैं. ओरिजिनली क्या होता है कि एक ही सैंपल की विस्कोसिटी को भी आपने मॉनिटर करना होता है, जेल स्ट्रेंथ को भी करना होता है, डेंसिटी को भी करना होता है, इसके अलावा उसके अंदर सॉलिड्स कौन से हैं उनको भी करना होता है. तो ओरिजिनली जब ये चीजें आप देख रहे होते हो कि फ्लूइड की किस किस्म की प्रॉपर्टीज रखनी है जिससे लो सर्कुलेशन रुक सके, तो उसमें खाली डेंसिटी नहीं देखते. डेंसिटी लीस्ट पैरामीटर होता है, मेन जो पैरामीटर है वो जेल स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी होती है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डेंसिटी की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, किसी हद तक डेंसिटी की भी कंट्रीब्यूशन होती है. फर्दर आप भी इसे एक दफा देख लीजिएगा इंटरनेट से और किसी भी बुक से, मैं भी दोबारा इसे चेक करके रिव्यू करके फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है सर, आपने बताया था कि कटिंग्स और सॉलिड मटेरियल अगर मड में ऐड हो जाए तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. जी सर, मुझे लग रहा था कि कम हो जाती है, इसका लॉजिक नहीं समझ आया. इसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ. सिंपल है कि अगर देखो डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम आप फिक्स कर दो, लेट्स सपोज ये इतना एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम फिक्स है,
और इसके अंदर अगर आप क्या करते हो कि पहले वाटर है, वाटर के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल डालते हो जिससे इसका वेट इंक्रीज कर जाए, तो जब उसका वेट इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली ये जो न्यूमिनेटर है ये इंक्रीज कर जाएगा, न्यूमिनेटर इंक्रीज करेगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन जो सॉलिड और कटिंग है उनकी डेंसिटी मड के ऊपर कम होगी, लेकिन जब उसके अंदर ऐड होगा नहीं, उसके अंदर कम नहीं होती उनकी, उनकी कम नहीं होती, उनकी ज्यादा होती है। कटिंग जो होती है वो सॉलिड होती है, वो रॉक यानी जो रॉक्स होती है ना, जो फॉर्मेशन होते हैं उसके पीसीज होते हैं, उन पीसीज को कहते हैं कटिंग। और जो मड होगी ना, मड के अंदर क्या होगी, मड के अंदर क्या होगी, क्ले होगी और वाटर होगा, तो कटिंग तो उसकी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, फॉर्मेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मड के निस्बत। यस सर, फर्दर इसके लिए ना आप ये वाला न्यूमेरिकल, ये देखो ये न्यूमेरिकल यही तो चीज बता रहे हैं। ये देखो पहले क्या थी, पहले मड की जो डेंसिटी थी, इनपुट मड वेट कितना था, 9 PPG था, ठीक है, 9 PPG है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर कटिंग ऐड हो गई है, कटिंग ऐड होने के बाद उसकी जो डेंसिटी आपने कैलकुलेट किया वो कितनी है, 9.2 PPG है। तो इधर जो 0.2 PPG इंक्रीज हुई है वो किस वजह से इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज हुई है ड्रिल कटिंग के ऐड होने से। ये देखो ये क्या स्टेटमेंट लिखी है, हेंस द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ड्रिल कटिंग विल इंक्रीज द इफेक्टिव डेंसिटी बाय 0.2 PPG। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का हो तो। सर ये फॉल प्रॉब्लम वाला हमने कंप्लीट करना है ना चैप्टर, कौन से वाला, ये जो होल प्रॉब्लम वाला कर रहे हैं, आई थिंक ये खत्म हो गया। हाँ जी, होल प्रॉब्लम ही अभी हमने किया खत्म, मेरे ख्याल से यही किया। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा करना है सर। इसके अंदर ट्रैकर नहीं है जो भी आप पढ़ा रहे थे, क्या नहीं है, ट्रैकर वाला और ग्राफ इसका। अच्छा, वो डीएसटी का, वो डीएसटी के अंदर नहीं मिलेगा, डीएसटी के लेदर नोट से वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। जी बताइए सर, आज के लिए इतना बहुत है सर। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट आप ना ये जो लैब है ना, एक तो लास्ट वीक की लैब थी वगैरह मैं कर ली थी, तो वो रिकॉर्डिंग लास्ट वीक की, और इस वीक की जो लैब होगी उसकी रिकॉर्डिंग मैं आज होप सो या कल सुबह तक मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। और इसके अलावा जो रीडिंग्स होंगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो रीडिंग्स भी सारी शेयर कर दूंगा, तो आप उधर से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझे बता दे, अदरवाइज हम फिर कंक्लूड करते हैं चीजों को। जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है आपका? समरी अटेंडेंस रह गई सी। अच्छा, अटेंडेंस रह गई है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है भाई? 35। हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने लगवा दी हो। नो सर, ऐसे दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं, ऐसे दोस्त नहीं बनाते जो अटेंडेंस लगवा दे। हैं, ठीक हो गया, मार्क कर दिया मैंने, लेकिन बाकी चीजें ना साथ साथ आप करते जाना कोर्स। थैंक यू सर। अगर आप, अगर वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाओगे ना एंड वाली, तो फिर इतना काम नहीं किया जाएगा आपसे, तो साथ साथ चीजें करें। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव फर्दर एनी क्वेश्चन। यस सर, वो आपने कहा वीक 7 तक हम लिमिट का सिलेबस करना है, तो वीक 7 हुआ नहीं है ईद की वजह से, तो 6 तक ले गया ना ये 8 तक? नहीं नहीं, जो ईद वाला है ना वो वीक 7 के अंदर इंक्लूड होगा। तो यही सर, सर कह रहे हैं वो नहीं ना है, स्किप है, तो वो 6 तक करना है या 8 तक करना है? 6 तक करेंगे। सर एक क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। जी बताइए सर। सर इसमें प्रिवेंशन लिखी हुई थी जो स्वेलिंग शेल कंट्रोल में, के मेंटेन मड प्रॉपर्टीज। हाँ बिल्कुल सर, प्रॉपर्टीज को किस तरह मेंटेन करेंगे मट की? अच्छा मैं आपको बताता हूँ,
प्रॉपर्टीज में ये होता है कि मड की जो भी प्रॉपर्टी होती है ना उसके अंदर एडिटिव डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, उसे कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिट कहते हैं कि रोकना, तो कुछ तो वो केमिकल उसे रोक देते हैं, एक इसमें आप रोक सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आप डिफरेंट किस्म के मड यूज कर ले, जैसे ऑयल मड जब यूज करेंगे ना तो ऑयल बेस्ड मड के साथ अगर वो शेल कॉन्टेक्ट में भी आएगी तो उससे वो स्मेल नहीं करती, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन होनी होती है। हाइड्रेशन कब होती है, जब वो वाटर से कॉन्टेक्ट करती है। तो जब आपकी ऑयल बेस्ड मड होती है तो उसके अंदर क्या होता है, मेजरली ऑयल होता है, उसके अंदर वाटर होता ही नहीं है, तो उधर उसकी स्वेलिंग नहीं होती। तो इस तरह आप स्वेलिंग ऑफ क्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आई बात भाई? यस सर। जी किसी कोई भी स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन हो। नो सर अब। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर एंड करूं आज का लेक्चर। अगर कोई फर्दर आपका क्वेश्चन हो तो आप फिर गूगल क्लासरूम के अंदर